देश भर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरबा में भी गणतंत्र दिवस से पहले परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर कोरबा कलेक्टर संजीव झा और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने परेड का निरीक्षण कर प्लाटून कमांडर से परिचय लिया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि करीब 3 साल बाद इस वर्ष स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की झांकियां भी निकाली जाएगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उपलब्धियों को दर्शाते हुए जो रंगारंग झांकी होती है वो झांकियां रहेंगी, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और विद्यालयों में लोगों को इसको लेकर के बड़ा उत्साह है। बहुत सारे पार्टिसिपेशन हमारे पास आए हैं, उसमें से स्क्रीनिंग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि 2 या 3 वर्षों के बाद ही इस तरह का ऐसा कार्यक्रम होगा जो कि समारोह पूर्वक होगा और पूरे सांस्कृतिक लय धुन और जो शासन की जो योजनाएं हैं उनको उपलब्धियों को दर्शाते हुए झांकियों के साथ। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि परेड में इस वर्ष 8 प्लाटून शामिल होंगे जिनके द्वारा आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी जाएगी। कई सालों बाद जो कोविड के समय के बाद फुल फ्लेज्ड परेड रिहर्सल की तैयारियां हो रही है ताकि गणतंत्र दिवस पे पूरी परेड का जो है हर साल जो होता है पारंपरिक तरीके से वो किया जा सके। और इस बार कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि पूरी व्यवस्था अच्छे से बनी रहे ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। इधर राजधानी रायपुर में परेड के साथ ही अलंकरण समारोह की अंतिम रिहर्सल की गई। इस अवसर पर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री भूरे ने बताया कि इस बार परेड को लेकर जवानों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी जो हमारे पुलिस बल और जो सीआरपीएफ और जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस है इनके सभी दलों का आज मार्च पास भी किया गया और इसका अवलोकन भी किया गया। इसके अलावा जो पूरे एक कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का उसका पूरा रिहर्सल आज इस कार्यक्रम में किया गया। इसी तरह सक्ती में नया जिला बनने के बाद पहली बार आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने बताया कि पहली बार होने जा रहे कार्यक्रम को गरिमामय बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस नववर्ष में नवीन जिला सक्ती के लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर मार्च पास की तैयारियां हो रही हैं, साथ ही साथ विभागों के द्वारा जो झांकियां निकली हैं उनकी तैयारियां हो रही हैं और हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि एक बहुत ही गरिमामय तरीके से हो। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री महन जी मुख्य अतिथि रहेंगे जो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तो उनकी गरिमा को मेंटेन करते हुए नवीन जिला सक्ती में ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और अच्छे रूप से मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सक्ती जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ध्वजारोहण करेंगे।